किसी ने क्या खूब कहा है, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने तो बहुत कोशिश की लेकिन चिराग आंधियों में भी जलते रहे। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। एक समय की बात है कि गांव के किनारे में एक बहुत बड़ा तालाब था और दोस्तों उस तालाब में हजारों मेंढक रहते थे। सब मेंढक आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब इसी को बात करते करते एक बुजुर्ग मेंढक ने कहा कि चलो एक प्रतियोगिता करते हैं। प्रतियोगिता क्या थी, जरा इस पर गौर फरमाइए। उन्होंने कहा कि इस तालाब के किनारे पर एक लंबा सा खंबा लगा हुआ है, हम में से जो भी मेंढक उस खंबे के ऊपर चढ़ जाएगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा, वही विजेता कहलाएगा। पूरे तालाब के अंदर मुनादी करा दी गई। अलग अलग इलाकों से अलग अलग मेंढक आए, कोई बुजुर्ग कोई जवान, और वो सब उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आतुर थे। दिन आया, रेस आरंभ हुई और सभी मेंढक उस खंबे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। बहुत सारे दर्शक जो मेंढक थे वो बोलने लगे कि भाई तुम लोग नहीं चढ़ पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम नहीं कर सकते। और वो सारे मेंढक उनकी बात सुनते तो धीरे धीरे वो मेंढक कम होते गए और अंत में कुछ समय बाद केवल 5-10 मेंढक ही बचे। फिर भी वो सब मेंढक बार बार बोल रहे थे कि भाई तुम छोड़ दो, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। अंत में केवल एक छोटा सा नन्ना सा मेंढक बचा। दोस्तों वो मेंढक लगातार प्रयत्नशील था, उस चिकने खंबे के ऊपर चढ़ता फिर फिसल जाता, पर वो किसी की नहीं सुन रहा था और अंततः वो उस खंबे के ऊपर चढ़ने में सफल हो गया। सारे मेंढक हैरान हो गए, जहां इतने बलिष्ठ मेंढक उस खंबे पर नहीं चढ़ पाए वहीं एक छोटा सा नन्ना मेंढक उस खंबे के ऊपर चढ़ गया। तो वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे कि भाई तुमने ये कैसे किया। तो वो उनकी तरफ देखने लगा और मुस्कुराने लगा। तो पीछे से एक मेंढक बोला कि भाई इसको क्या सुनाई देगा, ये तो बहरा है। तो सभी मेंढक एकदम हैरान हो गए। दोस्तों हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। हर मानव अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमको संकल्प शक्ति बहुत आवश्यक है। अगर आज सफलता हमसे दूर जाती है तो उसका कारण भी हमारे कमजोर संकल्प है दोस्तों। और यदि सफलता को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका जो है वो है हमारी श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। आज मानव जीवन प्रयत्नशील रहता है, लेकिन सफलता को प्राप्त करने से ही पहले, यात्रा को आरंभ करने से ही पहले हमारे कमजोर संकल्प हमारी सफलता को हमसे दूर ले जाते हैं। कितनी बारी हमारे जीवन में होता है, हम कहते हैं पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं ये संभव है भी या नहीं है। ये क्वेश्चन से भरे संकल्प हमारे मन में उत्पन्न होते हैं दोस्तों। तो जो सफलता हमारी तरफ आ रही होती है वो सफलता हमारे संकल्पों से ही हमसे दूर चली जाती है। इसलिए सफलता को प्राप्त करने के लिए 4 मंत्र बहुत आवश्यक हैं दोस्तों। वो पहला मंत्र है संकल्पों में दृढ़ता। वो मानव मन जो कि सदा दृढ़ है, जो कि कर्तव्यबद्ध है, वही अपने सफलता को प्राप्त दोस्तों कर सकता है। दूसरा मंत्र है दोस्तों श्रेष्ठ मनोबल। रोज अपने मन को ये संकल्प देना कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। और बार बार जब अपने मन के अंदर आप ये प्रोग्रामिंग करते हैं तो सफलता स्वतः ही आपकी तरफ आकर्षित होती हुई चली आती है। तीसरा दोस्तों निश्चय बुद्धि और प्रयत्नशील। दोस्तों रोज अपनी सफलता के लिए निश्चय रखें। जिस मानव मन के अंदर निश्चय है उसकी अवस्था सदा निश्चिंत रहती है। वो रोज अपना कर्तव्य करता है और उस कर्तव्य को करते हुए वो सफलता को प्राप्त अवश्य करता है, क्योंकि उसके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं होते हैं। और दोस्तों आखिरी बात कि नकारात्मक विचारों से सदा दूर रहना। आप देखो कि वो मेंढक को कितने सारे मेंढक बोल रहे थे कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम प्रयत्न मत करो, तुम इसको छोड़ दो, लेकिन वो बहरा था इसलिए उसको उनकी नकारात्मक बात नहीं सुनाई दी और वो प्रयत्न करता रहा।
इसी प्रकार दोस्तों जीवन के अंदर कई लोग हमको नकारात्मक बातें बोलेंगे, हमारे उत्साह को कम करेंगे, हमारे उमंग को कम करेंगे, लेकिन जब हमने अपने मन से ठान ली है, हमारा मन दृढ़ है, तो आप किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने मन में स्थान मत दो। अगर हमारा मन सदा सकारात्मक है, पॉजिटिव है, पावरफुल है, नकारात्मक विचारधारा से दूर है दोस्तों, तो सफलता हमारे जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको हम सूनर और लेटर जरूर प्राप्त करते हैं। इसके लिए अपने मन को सदा शीतल, श्रेष्ठ और सकारात्मक बनाओ। राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी सुंदर प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने मन के एक एक विचार को सकारात्मक, पावरफुल, प्योर और खुशी से परिपूर्ण कर सकते हैं और जीवन में हर कर्म में, हर संकल्प में दोस्तों सदा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।